The India Alliance says the opposition alliance is holding a press conference. Let's listen in. आज आपने देखा कि अगर पिछला इतिहास हम देखेंगे तो 2019 की जो चुनाव हुए थे उसमें ये सभी महागठबंधन में जितनी हमारी साथी पार्टीज शामिल हुई है सबने मिलकर 23 करोड़ 40 लाख वोट्स लोगों ने उनको दिए थे 2019 के चुनाव में, और बीजेपी को उस चुनाव में 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में शामिल हुए जितने पार्टी, सिर्फ एक ही बात थी कि अलग अलग होने से वोटों का बंटवारा हुआ और 23 करोड़ वोट मिलने के बावजूद भी भाजपा 22 करोड़ वोटों से वो देश में अपनी ताकत बना सके। आज इंडिया के इस गठबंधन में 11 चीफ मिनिस्टर शामिल हैं, जो बाकी मैं जो जिन्होंने भाजपा ने तोड़ मरोड़ की सरकार जहां गिराई वो छोड़कर बात कर रहा हूं कि 11 चीफ मिनिस्टर्स इस हमारे सरकारी हमारी इस गठबंधन में शामिल है। आपने देखा कि मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र जैसे राज्य को भी तोड़ने का काम भाजपा ने किया है, पर आपने देखा कि कर्नाटक में तोड़ने के बावजूद दोबारा वहां पर ज्यादा अक्सर से हमारी सरकार वहां पर कर्नाटक में लोगों ने चुन के दी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया के इस माहौल से आज जो भी हम कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र में, हमारे सरकार तोड़ने के बावजूद भी महाराष्ट्र में दोबारा हमारी सरकार हमारी एमवीए की और अन्य साथियों को मिलकर हम स्थापित करेंगे, ऐसे पूरी उम्मीद दोस्तों हमको है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि सभी पार्टीज इसमें शामिल है, आदरणीय पवार साहब और ठाकरे साहब को भी आपको संबोधित करना है। आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि आज सभी राजनीतिक दल हमारे साथ में हैं और बड़े ताकत के साथ में आने वाले चुनाव एक पॉजिटिव डे, हमारे सिर्फ किसी को विरोध करना ही इतना हमारा एजेंडा नहीं है, डेवलपमेंटल अलायंस हम समय कहूंगा कि इसमें डेवलपमेंट का एजेंडा है, कुछ पॉजिटिव काम करने का एजेंडा है और साथ ही साथ देश के जो फैसिस्ट फोर्सेस है उनको रोकने की चुनौती हमने स्वीकार कर ली, इसलिए एक छत्र में सब यहां पर इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद। इसमें शामिल जो होने वाले हैं वो 28 है, 28, और उनके प्रतिनिधि कल के मीटिंग के जो मौजूद रहेगी इनका नंबर 63 है, 63 प्रतिनिधि 28 पॉलिटिकल पार्टी, इनका ये सम्मेलन कल से परसों से शुरू होगा। और जिस तरह से कई राज्यों से लोगों का जो इसमें इंटरेस्ट के बारे में हम सुनते हैं, इससे मुझे पूरा विश्वास है कि एक अल्टरनेटिव फोरम देश में तैयार हो जाएगा कि जो देश में परिवर्तन करना है ये परिवर्तन के लिए मजबूत होगा, और यही काम हम लोग करेंगे। इतना ही मैं कहता हूँ और